बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। एक ही लिस्ट है जिसमें बीजेपी ने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सूची आने से पहले अटकलें थी कि बीजेपी कुछ सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के नाम बदल सकती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सर्वे में उनके हारने की आशंका जताई गई है, जिसे देखते हुए बीजेपी कुछ सिंधिया समर्थकों का टिकट काटने पर विचार कर रही थी। पर जब लिस्ट आई तो उसने सबको चौंका दिया। तमाम राजनीतिक सर्वों को दरकिनार कर बीजेपी ने सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया है, यानी 22 सीटों पर वही चेहरे हैं जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी। पहले माना जा रहा था कि रणवीर जाटव, कमलेश जाटव और कुछ अन्य उम्मीदवारों के टिकट काटे जा सकते हैं, पर बीजेपी वादे की पक्की नहीं थी। अब गेंद सिंधिया समर्थकों के पाले में है, जिन्हें जीत कर अपने दम पर विधानसभा में वापसी करनी है। सिंधिया समर्थकों की जीत पर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। अगर ये कहें कि कांग्रेस नेता और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीपी शर्मा ने सिंधिया समर्थकों के चुनावी नतीजे की भविष्यवाणी ही कर दी है तो गलत नहीं होगा। पीपी शर्मा का दावा है कि इस चुनाव में अधिकांश सिंधिया समर्थकों की जमानत ही जब्त हो जाएगी। 25 के 25 जो है इनका फीडबैक ठीक नहीं आने वाला है, क्योंकि एक भी 25 में जीतने वाला नहीं है और कईयों की जमानत भी जब्त होगी तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है 25 के 25 बदले, क्योंकि इनकी हर क्षेत्र में बुरी हालत है। और जो लोगों में भावना आ गई कि लोगों ने पैसे लेके इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो 5 साल के लिए चुने गए थे उनको 15 महीने में इस्तीफा देने की क्या आवश्यकता पड़ी? और अगर कोई वो थी तो वहां लड़ते, विधायक रह के विधानसभा में लड़ते, सड़कों पे लड़ते, पर उन्होंने अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे भी गद्दारी की। उनका जो हक था मतदाताओं का, उसको उन्होंने मिसयूज किया है, क्योंकि अगर 5 साल कमलनाथ जी की सरकार रहती और काम ठीक नहीं होते तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को जनता ने बदला था, ये जनता को अधिकार था, ये इन 25 विधायकों को नहीं था। इसलिए हमारा नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और ये पूरे के पूरे चुनाव क्षेत्रों में पूरी तरह से गूंज रहा है और लोगों के दिलों में हो रहा है कि हमारा जो अधिकार था सरकार बनाने या बिगाड़ने का, वो इन 25 लोगों ने उसका मिसयूज किया है, इसलिए एक भी नहीं जीतेगा इन सबकी जमानत।